फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिष्ठा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली अपने फ्यूजी कॉस्मेटिक के ओवल टूथब्रश ब्रशेस। गाइस, इन ब्रशेस का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और ये ब्रशेस आ गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इनका बारे में बताऊँ और रिव्यू दूँ कि इनका मेरे क्या एक्सपीरियंस करती हूँ, ये किस टाइप के हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दिखेगा रेड बटन, उसके बगल में होगा बेल आइकन, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे आप उनसे नोटिफाई हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, करेंगे ना? तो चलिए बात करते हैं हम इस ब्रशेस की। तो मैंने ये अमेज़ोन से मंगाए थे, कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे थे। वैसे इनका प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है 1499 के, यानी 1499 मीन्स 1500 रुपये के समथिंग थे ये। बस एक रुपये कम है तो क्या है 1500 के प्राइस। तो ये मुझे कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया था ऑन अमेज़ोन। तो मैंने सोचा कि छोड़ो मत, ले लो इन्हें, कि भाई क्या पता फिर इनका प्राइस हाई हो गया और फिर उसके बाद बैठे रह गए। और यार, इनको लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सुना था। और इनका यार लुक देखिए, लुक एट दिस लुक, ऐसे लग रहे हैं यार इनको इतने बड़े बड़े ब्रशेस हैं, इनको फेस पे लगाते होंगे लोग, सोचते होंगे यार ये टूथब्रश जैसे दिखते हैं और इन्हें फेस पे कैसे लगाते होंगे। तो यार इस वजह से मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करे, तो मैंने कहा यार ले लो। वैसे नॉर्मल ब्रश तो लोग बार यूज़ करते हैं, कुछ इस टाइप का भी इस्तेमाल करके देखो भाई, देखो कि भाई होते कैसे, वर्क कैसे करते, और कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए वैसे भी लाइफ में। तो बात करते हैं अभी इनकी इनकी इनके पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस टाइप से मुझे अमेज़ॉन के डिब्बे में आया था, बबल रैपिंग में रैप होके आया था, कुछ इस तरीके की रैपिंग थी जो कि मैंने इसी में ही स्टोर कर लिए थे। तो फिर अब इतना बड़ा डिब्बा था तो इसे मैं ओपन करती हूँ, कुछ इस तरीके से ओपन हो जा रही है। अरे बाबा निकल गए, अरे ये रहे कुछ ऐसे करते हो, इसमें लगे हुए ऐसे गए यार, हमें न लगाऊँ मैं, खैर छोड़ो। तो ये इस टाइप से कुछ आए थे, बाकी तो मेरे हाथ में बड़े पड़े हुए हैं। तो ये टोटल 10 ब्रशेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ब्रशेस हैं और सब अपने अपने अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से हैं कि ये किस तरीके किन किन चीज़ों में यूज़ करे जाएंगे। तो देखते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई एक ब्रशेस है तो भाई एक ब्रश का स्टाइल कुछ लूँ। ये थोड़ा फिक्सेबल प्लास्टिक का है और इसके ब्रशेस तो यार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, देखिए बहुत सॉफ्ट है, अच्छे से लूँ, अच्छे से यूज़ हुए यहाँ से कुछ भी किसी भी पर्पस में आ जाएगा, बट बस बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा आई लव दिस थिंग। और ये इसको तो बहुत अच्छे से यू नो अच्छे से फिक्सेबल है, तो और कमाल की चीज़ है बात क्या। सबसे बड़ी बात करते हैं तो इस बड़े ब्रश की, तो ये बड़ा ब्रश है, बहुत अच्छे से फाउंडेशन के लिए या पाउडर के लिए तो ये इस्तेमाल किया जाएगा। आई डोंट नो कितना बड़ा ब्रश का ही बात कर, मैं कैसे पाउडर करने के लिए तो अच्छा ही होगा, पाउडरिंग के लिए या फिर फाउंडेशन के लिए अच्छे से यूज होगा, वेरी नाइस। एंड दिस ब्रश आई थिंक फाउंडेशन यहाँ से के यहाँ अंदर से अलग है, मुंह की दांतों की जगह सब और बाकी जगह की भी सफाई हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, दिस वन इज पाउडर ब्रश, आई थिंक दिस ब्रश इज फाउंडेशन ब्रश, एंड नेक्स्ट वन इज इट्स कंटोनिंग या कंसीलिंग ब्रश, मे बी कंटोनिंग ब्रश, ओके। दिस ब्रश इस आई थिंक इस कंसीलर ब्रश, कंसीलिंग की जा सकती है यहाँ से आराम से। वाह वेरी नाइस, अच्छा लगेगा
ओके दिस वन इज कंसीलिंग ब्रश एंड दिस वन फाउंडेशन, दिस वन इज पाउडर, दिस वन आई थिंक इज कंटोरिंग, ब्लशिंग वगैरह वगैरह. मल्टीपर्पज ब्रशेज हैं, किसी में भी कोई भी यूज़ करो जैसा आपको समझ में आए. एंड दिस वन आई थिंक आई शेडो ब्रश, आई शेडो आराम से ब्लेंड हो सकते हैं ऐसे करके. ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगे. और ये शायद आई लाइनर के लिए, आई लाइनर लगा सकते हो अपना ये इधर अच्छे से, आईब्रो फिल हो सकती है इससे. सारे ब्रशेस के ब्रशेस तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है गाइस. एंड दिस वन आई थिंक स्मजर ब्रश, अपनी स्मर्ज करने के लिए. एंड दिस वन आई थिंक इज अ इनर कॉर्नर ब्रश. लुक एट दिस, छोटा सा टीनी मीनी सा निन्ना मुन्ना सा यहाँ पर. आई थिंक इसके लिए या नो ग्लिटर लगाने के लिए या लिप लाइनिंग के लिए या इन हाइलाइटिंग के लिए, हाइलाइटिंग के लिए भी ये आई थिंक इस्तेमाल हो सकता है. इस जैसे तो ये दो हैं, दो ब्रशेज हैं ये. और इस टाइप के जो पतले ब्रशेज हैं, आई होप आपको दिख रहा हो, इस टाइप के ये तीन ब्रशेस हैं. ओके थ्री इस टाइप के ब्रशेस सेम, बस साइजिंग में फ़र्क है कि ये कुछ एक बड़ा है, फिर उससे थोड़ा मीडियम साइज है और फिर उसके बाद स्मॉल ब्रश. और इस जैसे तो ये चार ब्रशेस हैं, पांच ब्रशेस हैं. इस बिग वन, बिगर वन, अनदर मीडियम ब्रश एंड देन उससे थोड़ा छोटा ब्रश एंड इज वेरी स्मॉल ब्रश, सॉरी एंड इज अ वेरी स्मॉल ब्रश. लुक एट दिस, आई होप तो दिख रहा हो. मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे ये वाला ब्रश लगा है. आई मीन पूरे आपके फेस को कवर कर देगा. अगर आई थिंक आप प्राइमर यूज़ कर रहे हो या फिर आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो ये आपके पूरे फेस को पूरा अच्छे से कवर करेगा. तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. आई लव दिस थिंग. आई मीन सब, अगर आपका बेस ही अच्छे से नहीं कवर हुआ है तो बाकी सब चीज़ें तो बस बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है. एंड फिर उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा ब्रश अच्छा लगा है, दिस वन. एंड सेकेंड ब्रश आई थिंक दिस वन. आई मीन ये स्पेशली क्यों मेरा इतना फेवरेट हो रहा है कि भाई ये एक तो छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल. ये जो ब्रश है आपके है ना, यू नो हाईलाइटर और जो आपके फीचर्स हैं ना उनको बहुत अच्छे से ना मेरे ख्याल से हाईलाइट करेगा. लाइक दिस नो और दिस, ब्लशिंग के लिए, कंटोरिंग के लिए और आपका है ना इधर इस साइड का क्लियर करने के लिए लाइक दिस ऐसे यू कर रही हूँ. और आपके और फिर उसके बाद मुझे ना ये ब्रश मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. क्यों? क्योंकि आपकी जो छोटे छोटे जो कॉर्नर्स होते हैं और कंटोरिंग का और ये सब इन सब के लिए ये मुझे ना नो मुझे तीन ब्रश मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं और अच्छा लगा. एंड देन सबसे ज़्यादा मुझे ना ये नहीं की प्रॉब्लम लग रही कि भाई ये मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी, कि यार ये ब्रश कुछ थोड़े ना थिन टाइप के हैं और मेरे ख्याल से आपके लिप लाइनिंग के लिए और यहाँ पे नो इस तरीके से करने के लिए क्रीजिंग में तो ये अच्छा काम करेगा, बट आई लाइनर के लिए यार जब मैंने स्टार्टिंग करी थी आई लाइनर लगाने की तो मेरा हाथ हिलता रहता था. उसे लगाने तो बहुत टाइम लग जाता था
इनसे हाथ पता नहीं कैसे सेट होगा, अगर हो जाएगा कोई बात नहीं, उसका भी तोड़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएगा। मैं गाइस जब आप लोगों से बात कर रही थी ना, तो इन ब्रशेस की मुझे वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनको जब आप अपने स्किन पे लगाओगे, लाइक ऐसे करके यू नो लगाओगे, या अपने फेस पे भी आप लगाओगे, तो इस ब्रश को जैसे आप अपने फेस पे रखते हो ना, ये आपके फेस पे ना सॉफ्ट इफेक्ट दे रहा है, लाइक दिस नो फेस पे ना आपका पूरा फेस नो अच्छे से कवर कर रहा है, एंड बिल्कुल फेस की एकदम मसाज सी हो रही है, आपको ना लगना नहीं पड़ रहा, और आपका करते करते ना आप यूं करके सब जगह पे है ना मसाज कर रहा है, आई मीन मेकअप भी हो रहा है और आपका मसाज भी हो रहा है इनसे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने वीडियो से रिलेटेड सारी डेटा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच, एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।